बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम इजाज। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो सॉफ्टवेयर देने वाला हूँ वो है मिरेकल फाल्कन बॉक्स वर्जन 1.1 विदाउट एनी बॉक्स विदाउट एनी टूल। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि ये मेरा चैनल है इजाज मोबाइल रिपेयरिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर बहुत से क्रैक्स की वीडियो पड़ी हुई हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी बॉक्स। डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक हैं और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मेथड आपको वीडियो में से मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। मिरेकल फाल्कन बॉक्स को किस तरह आपने यूज़ करना है और उसका क्रैक किस तरह आपने बनाना है ये मैं आपको बताऊंगा। उसके इंस्ट्रक्शंस किस तरह यूज़ करने की वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये फोल्डर, ये जो बॉक्स का सॉफ्टवेयर है मिरेकल का, फाल्कन का, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है डिस्क्रिप्शन से। उसके बाद आपने इसको करना क्या है, आपने करना है इसको एक्सट्रैक्ट। जैसे ही आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे आपको यहाँ पे एक और फोल्डर मिल जाएगा। फोल्डर में आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपको दो फोल्डर एक और नोटपैड की फाइल मिलेगी। यहाँ से आपने करना क्या है, ये रजिस्ट्रेशन फाइल जो पड़ी हुई है इसको आपने सिंपली करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने वापस आ जाना है और मिरेकल फाल्कन बॉक्स जो है उसमें आपने इसको कर देना है पेस्ट। यहाँ पे आप जब इसको पेस्ट करेंगे तो उसके बाद करना क्या है आपने, यहाँ पे आप जो रजिस्टर्ड फाल्कन बॉक्स है, जो उसकी फाइल है रजिस्ट्रेशन की, इसको आपने करना है ओपन। ओपन करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो कहेगा यस आर नो, आपने यहाँ से यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एक और दफ़ा आपको पूछेगा यस करूँ या नो, इसको भी यस कर देना है और इसके बाद कर देना है आपने ओके। ओके करने के बाद आपने अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको लोडर फाल्कन बॉक्स मिलेगा, इसको आपने करना है रन। रन आपने किस तरह करना है, रन सिंपल आपने ओपन या रन नहीं कर देना, इसको करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। प्लीज़ इसको ओपन ना कीजिएगा वरना ये काम नहीं करेगा सही। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें और यहाँ पे यस करें। जैसे ही आप इसको दोबारा यस करेंगे यहाँ पे आपको देखें ये एक उसने और आइकन दे दिया है कि लॉगिन करें। लॉगिन यहां से आप जैसे ही करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे इसके सॉफ्टवेयर में, इसके सेटअप में। यहां पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। इसकी एमटीके है, यहां पे देखें एमटीके सैमसंग के मॉडल हैं, क्वालकॉम फ्लैश कर सकते हैं आप, हवाई है, ZTE है, HTC है, ब्लैकबेरी है और SPD, LG और ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप, एंड्रॉयड है ये। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पे पहले मैं आपको MT के ऊपर जो फ्लैशिंग या मतलब इसके राइट करने के IME नंबर हैं इसका तरीका घर बताऊँगा। तो उसके बाद सैमसंग और जो आप अगर आपको मतलब चाहते हैं कि कौन सी ऑप्शंस को मैं यूज़ करके आप बताऊँ तो इन मुझे वीडियो में डिस्क्रिप्शन जो है कमेंट्स में बॉक्स में जाके तो आप कमेंट कीजिएगा कि भाई ये वाला जो है ना सैमसंग या MT के या क्वालकॉम इसको आप फ्लैश करके दिखाएँ तो मैं आपको फ्लैश करके दिखाऊंगा। तो ये देखें यहाँ पे MTK की ऑप्शंस हैं, रीड कर सकते हैं, कोड्स को अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ से आप IMEI को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अगर फ्लैशर में चले जाते हैं तो यहाँ पे ये देखें इसने दिए हुए हैं ये चिप्स वगैरह हैं जो मतलब CPU होते हैं 6590 और 6571 75 ये 6570 ये जो भी हैं सारे यहाँ पे आप जौन सी आपके मोबाइल की IC की चिप है वो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 6570 है तो यहाँ से 6570 को सिलेक्ट कर लें। अगर आपके EMC है या NAND है, अगर आप UFS पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी ये यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी टाइप किस तरह के मतलब टाइप का आपके मोबाइल है। यहाँ से आप फ्लैश फाइल को मतलब कर सकते हैं फ्लैश, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं स्कैटर फाइल को अगर आपने कहीं रखी हुई है तो उसको सिलेक्ट करते हैं। मैं इसकी डिटेल्स अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा बाद में, कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आप किसी डिटेल ना चाहते हैं। फिलहाल ये मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये देखें ये क्रैक दिया है आपको, ये बिल्कुल ओके काम कर रहा है। तो आप इसको मज़ीद डिटेल में जाके देख सकते हैं, आप इसको ओपन करके देख सकते हैं कि किस तरह ये काम करता है और किस तरह ये काम कर सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों काइंडली मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं, इतना तो मेरा हक बनता है कि आपको मैं इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर देता हूँ, आपका तो कुछ नहीं जाता है, एक सेकंड में आप लाइक पर क्लिक कर दे और लाइक हो जाता है, कोई टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होता। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरी मज़ीद हौसला अफजाई हो सके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो से अपडेट रह सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।